घोर अंधेरी रात रात के दो बज रहे हैं और कड़कती जो है बिजली चमक रही है बारिश हो रहा है एक पिता अपने बच्चे को उसी दरमियान एक पिता अपने बच्चे को लेकर एक हॉस्पिटल में आते हैं और हॉस्पिटल में आकर डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए मैंने बहुत सारे डॉक्टरों के हॉस्पिटल के चक्कर लगाए लेकिन मेरा बच्चा ऐसी स्थिति में जा चुका है ऐसी स्थिति में पहुँच चुका है कि बच्चे की जान बचनी अब मुश्किल है कुछ तो कीजिए रात अब अंधेरी हो इस तरीके का सिचुएशन हो तो बिल्कुल लगेगा कि नहीं कहीं ना कोई मामला बहुत बड़ा है और बिल्कुल मामला बहुत बड़ा था अयान हसन जो कि सिर्फ दो साल के जामताड़ा के थे और उसके एक ऐसी बीमारी से ग्रसित थे एक ऐसी बीमारी से ग्रसित थे जिसका इलाज अभी इस क्षेत्र में संभव नहीं था इनको या तो बेल्लोर जाना पड़ता या तो फिर बेंगलोर जाना पड़ता या फिर कहीं और जगह के चक्कर लगाने पड़ते लेकिन इन्हें पता चला कि नहीं एक डॉक्टर ऐसे भी हैं अगर मैं उनके पास पहुंचूंगा तो मेरा इलाज वहां पर संभव हो जाएगा मेरे बच्चे की जान बच जाएगी और मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाएगा जानते हैं इनको क्या हुआ था जो आँत होता है पेट में आँत जानते हैं हर किसी के पेट में आँत होता है इस छोटे से बच्चे का एक छोटी आंत जो है वो बड़ी आंत में जाकर मिल गया था या यूं समझ लीजिए कि उस आंत में ऐठन आ गई थी उस आंत में गिट जो होता है वो लग गया था अब समझिए कि आंख के द्वारा हमारे खाना खाना जो है जो भी हम खाते हैं वो पास होता है यहाँ से फिर आगे के लिए जाता है लेकिन उसी में गिट लग गया वही बंद हो गया तो उस बच्चे की क्या हालत होती है अगर दो से चार दिन तक इनका इलाज संभव नहीं होता इनको इस तरीके से यहाँ पर लाया नहीं जाता तो उस पिता के ऊपर क्या गुजरता और उस बच्चे की क्या हालत होती ये हमारे सामने उन अयान हसन के पिता हैं जो कि जामताड़ा से हैं इनसे पहले मिलते हैं इनसे जानते हैं कि आपका नाम क्या है मेरा नाम मोहम्मद ताहिर अंसारी मोहम्मद ताहिर अंसारी कहाँ घर है आपका जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है विद्यासागर रेलवे स्टेशन कर्माटाण बस्ती क्या हुआ था आपके बच्चे को जो रात के दो बजे आप तड़पते हाँपते परेशान होकर इस हॉस्पिटल में पहुँचे उनतीस तारीख को तो हम लोग का बकरीद का पर्व था तो रात में नौ दस बजे इसका थोड़ा सा पेट में दर्द चालू हुआ तो किसी तरह से समझा बुझा के रात तक हम लोग सड़क कटाए फिर हम लोग डिसाइड किए कि चलो इसको अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं क्यों इसका पेट में दर्द हो रहा है हर पाँच मिनट में दर्द दस मिनट में दर्द होता है फिर रुक जाता है फिर दर्द होता है तो इसको सुबह हम धनबाद लेके चले गए धनबाद लेके चले गए जामताड़ा जी तो धनबाद में एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल बोल के है वहाँ का बड़ा हॉस्पिटल हो गया जी जी हाँ। चिल्ड्रन हॉस्पिटल है मैं वहाँ से दिखाया तो सर वहाँ देखने के बाद दवा ववा लिखे हैं जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं ठीक हो जाएगा दर्द तो हम बोले सर सारा रात बड़ी सोए नहीं है एक बार अल्ट्रासाउंड करके देख लीजिए इनका पेट में हुआ क्या है आखिर जो अचानक दर्द कल तो अच्छा था तो बोले ठीक है एक्सरे कराइए एक्सरे कराने के बाद ठीक है कराइए और रिपोर्ट लेके आए हैं तो बोलो ठीक है जो दवा लिखे हैं उसमें ही ठीक हो जाएगा टेंशन लेने का बात नहीं है तो फिर हम वापस घर चलाएँ फिर वही दर्द इसका चालू कंटिन्यू फिर रात गुजरा तो फिर हम चले गए धनबाद तो हम रात भर में डिसाइड किए कि हम दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे हाँ क्योंकि थीक इसका दर्द दवा खिला रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा तो हम दूसरा डॉक्टर कोई हमको एड्रेस बताया कोई पटनायक नाम से और डिटेल्स में नाम नहीं बता पा रहे हैं हम आपको लेकिन पटनायक सर पटनायक सर बोलते हैं प्रगति हॉस्पिटल धनबाद है ओके वहाँ पे पटनायक सर बैठते हैं तो उनको गए तो सर को दिखाएं तो रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड जो था वो देखने के बाद बोला सर ये बाबू मेरा केस नहीं है तो आप अपना फीस जो जमा किए हैं वापस लीजिए और मैं दूसरे डॉक्टर से दिखवा देता हूँ यहीं पर दिखवा देता हूँ थोड़ा सा वेट कीजिए तो दूसरे डॉक्टर जो बी पुरोहित थे उनसे हमको मिलवाएँ दस पंद्रह मिनट में तो वो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देखने के बाद बताया कि ऐसा कीजिए आप एक सीटी स्कैन कराइए इसमें तो रिपोर्ट में गड़बड़ लिख रहा है लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है अब सीटी स्कैन कराइए तो क्लियर हो जाएगा अगर ऐसा होगा कोई दिक्कत तो हो सकता है ऑपरेशन करना पड़े जो कि यहाँ होता भी नहीं है तो वहीं से हमारा दिमाग फिरने लगा चिंतित होने लगा कि ये कैसा बात बोल रहे हैं सर तो बड़े डॉक्टर हैं डायग्नोसिस तो कर रहे हैं इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है तो फ़ौरन हम सी कराने के बाद बोला कि एक दिन के बाद रिपोर्ट मिलेगा तो हम सर मेरा बच्चा तो बिकला रहा दर्द से सर हम लोग भी दो दिन से खा पी नहीं पा रहे हैं सो नहीं पा रहे हैं तो कुछ दवाइयाँ दिए थे वो टैबलेट दिए थे बीके पुरोहित तो वो दवाई खिलाने के बाद थोड़ा सा दर्द उसका कम हो रहा था कम हुआ था उसी तरह से फिर दूसरे दिन मान के चले कि दो तारीख का सुबह में हमको रिपोर्ट मिला सी स्कैन का वहाँ तो साफ जवाब दे दिया कि बाबू क्विक एकदम निकल जाइए कहीं का रिपोर्ट सिटी का रिपोर्ट में क्लियर हो गया कि इसको ऑपरेशन करना ही होगा और जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको कराइए डॉक्टर साहब को आप दिखाए रिपोर्ट तो वो ऐसा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाइए निकल जाइए यहाँ पूरे धनबाद में इसका इलाज नहीं है धनबाद बोकारो आसपास कहीं इलाज नहीं है और रहा सर हम तो सर बोला आप डॉक्टर हैं हम तो आम आदमी हैं शायद आपको कोई परिचित में डॉक्टर है सर आप ही थोड़ा कन्फर्म कर दिए कि इसका स्कल कहाँ अच्छा होगा तो बोल नहीं बता सकेंगे बाबू हम जबरदस्ती कहाँ बोलते हैं आपको हमको उतना नॉलेज नहीं है हो सकता रांची में होगा तो बाद में फिर वो दो चार डॉक्टर हैं मेरे जब परिचित में उनसे भी पता किए तो बोल देखिए इसका इलाज सबसे बेहतर भैलोर चंडीगढ़ और भी जो डॉक्टर हैं धनबाद में चंडीगढ़ भैलोर जाइए ऐसा हमको सलाह मशूरा अब ये दर्द से अलग बेचैन तो किसी तरह से हमको पता मिला यहाँ पर रात को गोड्डा का यहाँ का पता गोड्डा का डॉक्टर शाहनवाज जी गोड्डा में बोले एक डॉक्टर हैं डॉक्टर शाहनवाज वहाँ पे आप चलिए वहाँ पे अच्छा डॉक्टर है तो इतना बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रहा था तो किसी तरह से हम घर से निकल गए तो हमको तीन घंटा यहाँ पे आने में लगा दो बज गया रात यहाँ पर आए किसी तरह से तो सर के अंडर में जब आ गए तो थोड़ा सा हमको भी तसली मिला मेरा फिर, फिर क्या हुआ तो जब डॉक्टर के अंदर हमें आए डॉक्टर साहब के अंदर में तो डॉक्टर साहब सब कुछ देख लिए तो उनको बोला आप टेंशन मत वो मेरा बच्चा है आपका नहीं मेरा बच्चा है वो सब ठीक हो जाएगा टेंशन मत ली आप लोग रिलैक्स हो जाइए तो फिर दवा हुआ कुछ दिए उसके बाद सवेरे एकदम आठ बजते बजते इसको ऑपरेशन में लेके पौने नौ बजे वापस और पंद्रह मिनट में बोला कि आपका बच्चा होश में आएगा टेंशन मत लीजिए और होश में आने के बाद थोड़ा सा दिन भर बच्चा तो होशी का हालत में दर्द तुरद तो, उसके बाद शाम से तो घूमने फिरने लगा मतलब जैसे ही हुआ ऑपरेशन उसके बाद से फिट शाम के टाइम से धीरे धीरे फिट हो गया तो बच्चा आया थोड़ा सा जीत तो करेगा उसके बाद दूसरे दिन से भी फिट तीसरे दिन भी फिट चौथे दिन भी फिट आज देखिए सात आप लोग चार दिन के अंदर फ्री कहर होते गया तो हम लोग को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस कि हाँ हम अब जा रहे हैं बिल्कुल सही जगह पे आए हैं आज हम बहुत खुश हैं कि मेरा बच्चा ठीक है डॉक्टर साहब भी फुल कोप्रेट एक कोपरेट किए हैं है। सुबह शाम पूरा देखभाल करते रहें जितने सिस्टर लोग भी हैं। जो बच्चा यहां पर बिल्कुल बेसुध अवस्था में आया था, जिस बच्चे की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि कोई डॉक्टर उसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहे थे आज सिर्फ चार दिन हुए हैं। इस बच्चे को देख के दिखाई इमरान भाई जरा सा ये छोटा सा आयान जो है वो अब घर जा रहा है स्वस्थ होके फिट होकर यहाँ से घर जा रहा है इसका सफल ऑपरेशन हो चुका है और ये सफल ऑपरेशन कर दिखाया है गोड्डा के एक डॉक्टर शहनवाज हसन ने आइए उस काबिल डॉक्टर से मिलते हैं उन शख्सियत से मिलते हैं जो संभव नहीं था हमारे धनबाद में रांची में बोकारो में और भी किसी कई शहरों में लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऐसी फैसिलिटी या फिर ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने इस ऐसे कंडीशन में एक ऐसे केस को गोड्डा जैसे छोटे शहरों में सॉल्व कर दिया जो कि इम्पॉसिबल था एक मुश्किल से केस को जो बिल्कुल धनवाद और बोकारो जैसे शहरों के लेकर अभुज पहेली थी जो डॉक्टर कह रहे थे कि नहीं इसे बड़े जगह लेकर जाइए बेंगलोर लेकर जाइए फिल्लोर लेकर जाइए चंडीगढ़ लेकर जाइए अगर बच्चे की जान बचाना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता चला कि गोड्डा शहर में भी एक ऐसे नायाब डॉक्टर हैं जो ऐसा कर सकते हैं वो यहाँ तक पहुँचे रात के दो बजे और आज देखे कि वो बच्चा सकुशल घर वापस जा रहा है और उसकी वजह है वो अगर वो बच्चा आज खुश है अगर आज वो बच्चा फिट है अगर वो परिवार घर जा रहा है तो उनके पीछे कहीं ना कहीं शाहनवाज हुसैन साहब का बड़ा हाथ है आइए डॉक्टर साहब से मिलकर जानते हैं कि एक वैसे केस को कैसे इन्होंने हैंडल किया और क्या कुछ परेशानियाँ थी और कितना मुश्किल था इनके लिए सर सबसे पहले तो वेलकम है आपका आपको उजागर मीडिया में मेडोर हॉस्पिटल गुड्डा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि गुड्डा है डॉक्टर साहनवाज सर यहाँ के हैं सर बताइए थैंक यू फॉर कमिंग ऑल दिस सबसे पहली बात यह है कि जो हमारा जो गुड्डा शहर है आज तक ये यहाँ देखा गया है कि लोग कभी भी यहाँ से लोग मरीज रेफर होके जाते हैं कहीं भी बाहर या छोटी बीमारी के लिए भी कम से कम लोगों को मायागंज या रिम सराती भेजा जाता है और मैं ये जब भी अलीगढ़ में या चंडीगढ़ में पढ़ाई के दौरान भी देख रहे थे सुनते थे कि तो मुझे बड़ा अफसोस होता था और लेकिन मैं कोशिश करता था कि जाके वहाँ पे सेवा दूँ लेकिन मैंने तब भी अपने मैंने सगर से काम लिया मैंने ना जब तक पूरी पढ़ाई करते हैं फिर जब पूरी पढ़ाई काम तभी सेवा भी अपने होम टाउन गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में ही देना है ये मेरा आज का नहीं जब मैंने एम में एडमिशन लिया तभी ही मेरा गोल था हाँ। कि मैं पढ़ाई तो बिल्कुल टिप पे करूँगा एज ए कहते हैं वैसे आप वृक्ष का जो सबसे आखिरी टहनी होता है वहाँ तक करूँगा हाँ। और रूट जो मेरा जो है वहां पे काम करूंगा मैंने जड़ को मेरा मजबूत होना चाहिए और हाँ। बरगद का जो टहनी तक पढ़ाई करनी है भिल्कुल, भिल्कुल, तो ये हमारा जी पहले से सोचता और अलहमदिल्ला हम 2022 तक मेरा पढ़ाई कंप्लीट हुआ एम सी एच पीरियाट्रिक सर्जरी फ्रॉम पी जी आई चंडीगढ़ एंड देन आफ्टर कम्प्लीटिंग आई आई डिसाइडेड टू जॉइन माई होम टाउन एंड अनफॉर्चुनेटली आई गॉट जॉब इन सदर हॉस्पिटल साहिबगंज And, and joined as a senior medical officer in surgery as a Sadar Hospital Sahebganj and and I joined and did my best to improve the health facility in this Santhal praghna area and uh, in last 2-3 months I have done around 50 surgeries in Sahebganj Sadar Hospital and free of cost and for this that Santhalis uh, and that Pahadi people but uh, after 2-3 months I, uh, I thought that

नकार दिया गया है आपके पास जब ये परिवार आया था जब आपके पास उस बच्चे के पिता आए कैसी हालत में थे और इतनी बड़ी बीमारी आंत एक दूसरे से क्या हुआ था वो सारी चीज़ें आप आते हैं हम आते हैं इस बीमारी के बारे में इस बीमारी जो होता है ना ये कहलाता है एलियोकोलिक इंटसोसेप्शन तो ये एलियोकोलिक इंटसोसेप्शन बीमारी होती है बच्चों में जनरली छः महीने से लेकर दो आ, दो साल ढाई साल तक के बच्चे तक मोस्ट कॉमन है मतलब इसमें है कि जैसे आँत जो हमारी आंत होती है वो आंत एक आगे वाले आंत में जाके पीछे वाली आंत घुस जाती है तो तो ये ये थी। तो लेकिन ये तीन दिन हो चुके थे तो मेरा हाइड्रोजन हाँ तो वो वाला जो ऑप्शन था वो काफी रिस्की है कि आप डिले में करेंगे तो अगर वो थोड़ा सा भी ये डैमेज हो चुका है तो हवा डालेंगे तो और चांस है कि फटने का तो मैंने ये चीज़ तो इस पर एक्सपेरिमेंट करने का सोचा भी लेकिन सोचिए पैरा मैंने अपना बच्चा नहीं है अगर बच्चा किसी तरह फट गया तो सारा रिस्क मेरे पे आएगा तो मैंने सेफली आई कॉल माई एनेथीटिस्ट डॉक्टर रेहान फ्रॉम साहिबगंज ही इज माई कलीग हैज़ डन एम डी एनाथिसिया फ्राम एम यू अलीगढ़ एंड हैज एज डन थ्री ईयर एस आर सी रिम्स राँची सो ही केम इमीडिएटली एट फोर ओ क्लॉक इन नाइट आफ्टर मैंने Midnight. Uh, midnight and he we operated this child at 7 a.m in the morning and fortunately we had done manual reduction there was no gangrene by the grace of god the wall was healthy and child is safe now बिल्कुल बहुत लंबी कहानी होती है ऐसी चीज़ें जब नहीं होती हैं आपके शहर में तो लोगों में एक ये भी हो जाता है कि हमारे बच्चे का सही तरीके से इलाज कहाँ होगा तो मैं एक ऐसे डॉक्टर साहब को मिलवा रहा था जिन्होंने एक ऐसी यहाँ पर सर्जरी की एक दो साल के बच्चे अयान के लिए जो कि अयान अगर सही जगह पर सही वक्त पर यहाँ नहीं पहुँच पाता तो शायद क्या कुछ होता जैसा लोग बताते हैं कि वो उस दुनिया में नहीं होता डॉक्टर शाहनवाज सर इनके बारे में मैं बताऊँ एक बार तो डॉक्टर एम एस हुसैन एम बी बी एस हैं एम एस हैं एक मिनट एम यू अलीगढ़ से चंडीगढ़ से जेनरल एंड न्यूनेटल एंड सर्जन पेडाट्रिक यूरोलॉजिस्ट अभी ये आप गोड्डा में सेवा दे रहे हैं सरकंडा चौक एड्रेस है इनका पाकुड़ रोड में गोड्डा में ये देखिए इनको वहाँ से जो ये मिला हुआ है डॉक्टर साहब को ये इनके लिए वहाँ पर अवार्ड जो होता है वो सारी चीज़ें अच्छा वर्क करने के लिए अच्छा काम करने के लिए डॉक्टर साहब को ये सब सारी चीज़ें मिली हुई हैं बाकी डॉक्टर साहब की इस काबिलियत और उस बच्चे ने जो फिर से ज़िंदगी पाई है उस पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया मैं आपका दोस्त अब्दुल्ल शीर जय हिंद